अबे शूटिंग के लिए हमने कब शूट किया है ये भी आप लोग देख रहे हैं। रात के पूरे 1 बजे, नहीं एक पूरे बजे नहीं, लेकिन 1 बजने में 1 मिनट पहले हमने ये शूट स्टार्ट की। तो देखें आप। शलवार इस पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई गाइस, ये देख सकते हैं। इसके साथ ये दुपट्टा, इतना प्यारा जो सूट है ना, इतना प्यारा मेरे दिल के करीब है वाला सूट। ये जो सूट है ये खुद जाके नाइके देख सकते हैं, इतना प्यारा लग रहा है सूट। तो अब ये तो हो गया अदन का सूट, ठीक है ना, फर्स्ट डे का सूट ही अदन ने तो दिखा दिया। अब बारी है मेरी, तो मैं ये मैं अपनी पसंद से लाई हूँ, बहुत मुश्किलों से लाई हूँ, मतलब हद हो गई। ग्रीन कलर का, काई ग्रीन कलर का जो है वो मेरा सूट है, और इस पे कुछ इस तरीके से यहाँ गले के पास गोल्डन कलर, गोल्डन एंड रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और नीचे और स्लीव्स पर रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई है, और ये स्लीव्स कुछ इस टाइप की हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इसी वजह से मैंने फिर ये सिलेक्ट किया। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा। तो अब आपने बताना है कि आपको मेरा अच्छा लग रहा है। इसके साथ जो है वो ये पजामा है इस सूट के साथ, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और वही सेम दुपट्टा हम दोनों के सेम है। और बताइए आप लोगों को कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जल्दी जल्दी जाके कमेंट में बताएं अदन का सूट अच्छा था या मेरा। तो अब मैं और आप देखते हैं अदन के सेकंड डे का, ईद के सेकंड डे का सूट। सो लेट्स सी। मुझे बहुत ही पसंद है, बताऊं क्यों, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है, ये देख सकते हैं आप लोग इसकी सॉफ्टनेस, कितना प्यारा सॉफ्ट है, और ये बहुत ही अच्छा है। ये सूट मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए अदन अब आगे बोलेगी कि मेरी नज़र गड़ी हुई थी इस पर, और वैसे मुझे ब्राउन पसंद नहीं आता, बट ये अच्छा लग रहा था इसी वजह से गड़ी हुई थी, बट मम्मा ने दे दिया मुझे, फिर इतना मज़ा आया गाइस, बहुत हो गया। अब आ रहा है मेरा सूट, जो कि मेरा फेवरेट कलर है, तो ये रहा वो सूट, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, क्योंकि इसका जो कलर है वो पिंक एंड पिंक इज माई फेवरेट कलर। और बस और क्या बोलना चाहूँगी, बहुत ही अच्छा सूट है। एंड इसके साथ जो है हमारे पास द स्किन कलर का जो है वो पजामा है, और इस पे ये वाले बीट्स लगे हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यस ओके, तो अब देखते हैं अदन का थर्ड डे का सूट। ये थर्ड डे का सूट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, इस पे क्रीम कलर है, आप जैसे कि आप ये देख सकते हैं,
इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत मिलती। तो अब बारी है मेरे ये थर्ड सूट की, थर्ड डे के सूट की। तो ये रहा वो सूट, इसमें जो नीचे का अगर आप देखें तो इस तरीके की कुछ मल्टी कलर वाली बेल लगी हुई है, और अगर आप ऊपर आए तो यहाँ पर आपको प्रिंटेड गला मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। और यहाँ पर कुछ लेस हैं और ये थोड़े से फिट करने के लिए ये वो है जो डोरी, एंड बस ये ऐसा ही सूट है और रेड कलर का है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हाँ, इसके पजामे की जो आप पाइचे देखेंगे तो इसमें भी वही वाली लेस लगी हुई है जो कि हमारी इस तरफ लगी हुई थी दामन की तरफ, जो कि ये हमारा जो है वो कमीज का कंट्रास्ट है। तो अब आप लोग हमारी थोड़ी सी एक्सेसरीज भी देख लें जो कि कुछ रह गई हैं और कुछ आ चुकी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को मेरे क्यूट से ये टॉप्स दिख रहे होंगे, कितने ज़्यादा प्यारे हैं, ये मैं ईद वाले दिन पहनूंगी। ये रहे हमारे एक इयररिंग, और इधर जो है वो हमारी ज्वेलरी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारी नहीं सिर्फ मेरी, अदन की भी बाद में आप लोग फिर देखेंगे। कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, वाओ। तो ये जो है वो हमारा ब्रेसलेट है जो कि ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो है वो है चेन जो कि ऐसी है कुछ दिखने में, काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है और नाजुक सी है बिल्कुल। मेरे एयरिंग ये भी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, इसके साथ के ही हैं सही ना। तो ये हैं मेरे इयररिंग्स और आप लोगों ने देख लिए हैं मेरी ये वाली ज्वेलरी। तो अब मैं आप लोगों को ब्रेसलेट दिखा देती हूँ, जब भी अच्छा लगेगा तब पहन लूँगी ईद वाले दिन में। और ये इस तरीके से जो है वो खुलता है और ऐसे करके बंद हो जाता है, सो मैं पहन के भी दिखा देती हूँ आपको। नागिन वाला लग अच्छा अच्छा जी। तो यहाँ पर अब हमारे पास है हमारी ये चूड़ियाँ जो कि मल्टी कलर की हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग रही हैं, नाइस। किटी किटी हेयर बैंड है यहाँ पे मेरे पास। यहाँ पर जो है वो मेरे पास येलो कलर का एक जो वो होता है ना, जैसे अगर मैं फर्स्ट करें ईद वाले दिन पॉनीटेल बांधती हूँ तो जो आगे के बाल जो हैं वो पीछे कोम, स्टाइलिश कोम कह सकती हूँ मैं इसको छोटा वाला। तो ये है मेरे पास। और हाँ हाँ, मैं आपको ये दिखाऊँ, ये हमने ऐसी मतलब ईद के लिए नहीं है, ईद के लिए कौन लेगा इससे, अच्छा है ऐसे ही हमने ले लिए थे बस। आप लोगों ने देख ली होगी मेरी एक्सेसरीज, तो अब आपने देख ली है अदन की एक्सेसरीज कि इन्होंने क्या लिया है अपनी एक्सेसरीज। तो चलिए देखें, चूड़ियाँ जो कि मल्टी शेडेड जो हम मेरे आप ही थी, ये क्लिप क्यूट है देख सकते हैं, ये वाले तो मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये है वो किटी हैबर, बहुत ही अच्छा। और ये मेरे जो ब्लैक सूट है उसके साथ ही मैच भी हो रहा है मेरा पिंक सूट के साथ बिल्कुल। ये है सिल्वर टॉप्स, हाँ टॉप्स है। और ये सिल्वर ड्रेस लेट, मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ, ये भी इसी टाइप का, अच्छा मैंने भी पहन के दिखाया है, मैं पहन के दिखा रही हूँ। ओके, मेरे इयररिंग्स, अदन थोड़ा तेज बोल लो। और ये है मेरे इयररिंग्स, अभी मेरे इयररिंग्स, ये है मेरे इयररिंग्स। तो ये रही मेरी ईद के शूज जो कि आप लोग खुद ही देख सकते हैं, कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ना, मुझे खुद भी। ये देखें, तो अब देखते हैं अदन के शूज कैसे हैं। दादा ये मेरे ईद के शूज़ हैं, तो आप बताना कि आपको हमारी ईद की बहुत शॉपिंग कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना।